नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, लखनऊ से खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। थोड़ी देर में लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, ये अहम जानकारी देख पा रहे हैं आप इस वक्त की। बड़ी जानकारी, तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में वर्चुअली संवाद करेंगे। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, थोड़ी देर में वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अभिषेक, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, बताएं। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देख रहे हैं आप। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त की आप देख पा रहे हैं पृथ्वी स्क्रीन पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, थोड़ी देर में लाभार्थियों से ऑनलाइन संवाद करेंगे पीएम मोदी, वर्चुअली जोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, थोड़ी देर में लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आयोजन, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख रहे हैं आप। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ेंगे, बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख रहे हैं आप। अभिषेक, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? चले सीधे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में लेकर चलते हैं, सुनिए। घर इन सभी की लाभार्थी महिलाओं को बनाया गया है। इस क्रम में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आज चंद्रपुर में बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनने की ऑलरेडी बात कर रही हैं। इस योजना में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इस प्रकार का कौशल प्रदान किए जाएगा जिससे छोटे उद्यम शुरू करके प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय अर्जित कर सकें, जैसे कि प्लंबिंग, टेलरिंग, बुनाई, ड्रोन ऑपरेशन, एलईडी बल्ब बनाना आदि। लखपति दीदी के तहत पिछले मात्र 4 महीने से 2 लाख के अधिक बनाने का लाभ उठाया ऑलरेडी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि कार्यों में सहायता के लिए ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग और लोन भी दिया जाएगा। ये स्कीम महिला सशक्तिकरण, आर्थिक समावेश एवं तकनीक का अनूठा संगम है। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लोगों को मौके पर लाभ देने के लिए देश के सभी 6,50,000 गांव में और 5,000 शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 3,200 से अधिक वैन्स के माध्यम से लगभग 65,000 ग्राम पंचायत और शहरों तक पहुंच चुकी है। छोटे से समय में ही 2,50,00,000 लोग इससे जुड़ चुके हैं और अब तक 1,80,00,000 लोगों ने भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने का संकल्प लिया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाखों लोगों ने अपना अनुभव शेयर भी किया है। प्रधानमंत्री जी, 2047 में जब देश विकसित होगा तो वे विभाजन के भी 100 वर्षगांठ होगी। देश ने विभाजन की पीड़ा 76 साल पहले देखी थी। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो वो पीड़ा देखने पर रही, पर जब कुछ लोग देश की जाति, भाषा, नॉर्थ साउथ, धर्म की संस्कृति का के आधार पर बांटने के प्रयास करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा नेशन फर्स्ट का नारा दिया और आज आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष के एक सूत्र में पिरो रही है। पूरे देश के लोग आज इस सपने से जुड़ गए हैं और उसे पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं।
इसी का एक रूप है कि आज देश का युवा माई भारत ऐप पर भी जोर शोर से जुड़ रहा है। विकसित भारत बनाने का जो 2047 तक का सफर है, उसे सफल बनाने की गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बताता हूं क्यों, कोई देशवासी छूट ना जाए ये चिंता थी मोदी जी की। यात्राओं के तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन अपने फायदे के लिए करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को फायदा दिलवाने के लिए है। भाइयों और बहनों, सरकार आपके द्वार लिए लाए है मोदी जी। जिन अफसरों से मिलने के लिए पहले आपको समय मांगना पड़ता था, आज वो हाथ जोड़कर आपके सामने सेवा के लिए आए हैं। काम होगा तत्काल, बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप हैं मोदी जी के वीआईपी। आइए इस सब भारत के विकसित बनाने की यात्रा में अपना योगदान देकर माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प का साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश के गांवों और शहरों से करोड़ों की संख्या में लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। शहरी भागों से हो रही यात्रा के अनुभव को आधारित आइए एक छोटी फिल्म देखते हैं। बीते 10 साल हैं मिसाल, साफ नियत और स्पष्ट नीति के, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ रोज आगे बढ़ते भारत के, 140 करोड़ देशवासियों की पूरी होती आकांक्षाओं के। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व ने बदली है देश की तस्वीर और रखी है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की मजबूत नींव। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही है, जहां स्वच्छ भारत अभियान से देश को नई पहचान मिली है, वहीं तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो ने शहरी आवागमन को गति दी है। आधुनिक सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, एम्स से लेकर आईआईटी और आईआईएम तक, और स्टार्टअप से लेकर एमएसएमई और मुद्रा तक, आज देश में अवसर बढ़े हैं और लोगों के सपनों को नई उड़ान मिली है। देश के शहर स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर लोगों का जीवन सुगम बना रहे हैं। गरीब कल्याण अन्य योजना से लेकर स्वनिधि तक और आयुष्मान से लेकर जन औषधि तक, व्यापक और समग्र प्रयासों ने गरीबों के जीवन को आसान बनाया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचा है, सीधे पहुंचा है बिना किसी बिचौलिए के। गवर्नमेंट मोदी का, सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। गांव से लेकर शहर तक जन जन में इस यात्रा को लेकर उमंग और उत्साह है। देश भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हुए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। आइए सबसे पहले मुंबई में कांदीवली चलते हैं, जहां मेघना जी जुड़ी हुई हैं। मेघना जी नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मुंबई, कांदीवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचतगढ़ से जुड़ी हूँ, और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया,
और मेरे दो बेटे होने के सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था, तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर, ये आपकी योजना ही, और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला, एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर, स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर, हाँ ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर, आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती। अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल नहीं, वे सर, में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई, मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। अब जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ, और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ, और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और UPI से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ, और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी PM कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते सर सिलाई का, तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है, और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहां से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। अच्छा, और वहां से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर, और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेश में बाल भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए, जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर, वैसे ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो और आप, मेरा छोटा आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी बाजी खिचड़ी बना के मैं BMC में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। मेघना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी? अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं जहां कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है, मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। कल्याणी जी अपने बारे में बताइए। सर मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे, उसके बाद में हम डे एनुअलम के तरह गुवाहाटी पौर निगम के अंदर हम SSG खोले थे, उसको बाद हमारा SSG मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर,
उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है, और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग है गरीब महिला है उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है, उनका नाम पार्सोना 11 है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया उनको हमको मिला है, वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है, हमारा जो असमिया पाठखाल है उविंग सेंटर है वो भी खुला है, हमारा असमिया गामोसा भी है, और जो बड़ो लोगों को हमारा आना दखना ये भी मिलते हैं, और उसके बाद हमने सर एनुअलम के अंदर वो जो हमारा आसपास औरत है 3000 महिला हम SSG खोल दिया है, और 3000 महिला से हम 300 SSG को हम बैंक लिंकेज कर दिया है, उन लोगों ने लोन पाया है, और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरित हो गए हैं सर। उसको बाद हम दे एनुअलम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है, उसको बाद वो लॉ देख कर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर, हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़ कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम ही ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती है। जी सर। कल्याणी जी, कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुलो सन से हम सर मासूम का एक यूनिट खोला था, जो 2000 रुपये था खुलो सन। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खोला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला है, उनमें से हमारा 200 महिला है, और हमारा असमिया। आपको पीएम एफएमई के तहत कितनी मदद मिली? 40,000 की मिला है सर। मिला है सर। हम अपने को 40,000 मिला है, और हमारा पाठना एलब को 17,786 मिला, 17,786,000 मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? HS पास है सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है, ये अवार्ड आपको किस वजह से मिला था? वो जो हमारा सर पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है, उन लोग को आपका लोन लेना है, वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो लोगों का काम कर रही हैं, आपके सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव पहुंची तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गांव को इसका स्वागत कैसे किया था आपने, कार्यक्रम कैसा किया था? सर वो जो हमारा 28 नवंबर से हमको आरंभ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के पीछे हम आसपास जो महिलाएं है उसको हम SSG महिला को समझाया है, वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन का जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और उज्ज्वला कार्ड फ्री मिलेगा, वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा, और हमारा जो पीएम स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा, ऐसे ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर। अच्छा कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर, ये उत्साह और जज्बा हमेशा बनाए रखिए। आप न सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि साथ ही आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। जी सर, आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी के गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब हम केरल में कोड़ीकोड चलते हैं, जहां धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं।
धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा कहाँ से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। गुजरात धर्मराजन कोड़े कोझिकोड़े मावूर मावूर। अच्छा धर्मराजन जी आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद मुझे बताइए। സാർ ഞാൻ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, ഭാര്യ ഉണ്ട്, രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. കേലക്ക് ഖേത്തി പത്നി ഹേ എക് ദോ ബേട്ടിയാ ഹേ. അച്ഛാ ധർമ്മജി ആപ് കേലക്ക് ഖേത്തി സർക്കാർ കിസ് യോജന കാപ്പോ ലാഭ മില ഹേ? സർക്കാരിന്റെ ഏത് യോജനയാണോ കിട്ടിയതാണോ? സാർ കെ സി സി ലോൺ, പിഎം കിസാൻ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. പിഎംഎസ്ബിവൈ സർ ഇൻകോ ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സെ കെ സി സി ലോൺ മിലാ ഹെ, ഫിർ പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഭീ പ്രാപ്ത ഹുയേ ഹെ സർ, ഓ ഇസ്കെ അലാവ പിഎം ജെ ബി വൈ പിഎംഎസ്ബിവൈ കാ ഭീ ലാഭ ഉൻകോ മിൽ രഹേ സർ. യേ സാരാ ജോ ലാഭ ആപ്കോ മിലാ ഹെ उसके पहले लाभ नहीं मिला, अब मिला तो जीवन में क्या बदलाव आया? सर कृषि ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സഹായം കിട്ടി, പിന്നെ അതേപോലെ പിഎം കിസാൻ വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ചു. സർ ഖേതി കർനെ കെ ലിയേ മുജേ ആർത്ഥിക സഹായത പ്രാപ്ത ഹുയേ ഹേ, और इसके साथ साथ पीएम सम्मान निधि से जब भी वो जो खाद और कीटनाशक ये सब जब खरीदने के लिए मुझे लाभ बहुत प्राप्त हुए है सर, आर्थिक संकट। अच्छा धर्मराज जी किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिलता है वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं आप? सर कृषि के वलम सियाने को उपयोग करू सर, खेती के लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सर। अच्छा पहले ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी से ब्याज से पैसे लेते थे, अब ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ता है? सर പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പൈസയ്ക്ക് പണം വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്? इसके पहले मैं बाहर से उच्च ब्याज दर पर पैसा लेके ही किसानी करते थे, अभी वो जो है ना आपके जो लाभ योजना की वजह से कम ब्याज में जो मिल रहे हैं सर। तो जो पैसे अभी बच रहे हैं तो परिवार के लिए अच्छे काम आते हैं? ओ नल्ले नेट उंड सर, उनको बहुत लाभ मिले प्राप्त हुए हैं सर। धर्मराजन जी हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? സാർ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം പിന്നെ ജീവിച്ചു പോണത്, പിന്നെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു, ചെറിയ മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി വലിയ മോൾക്ക് കല്യാണമുണ്ട് പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 4-ന്. ഉഷാറായിട്ട് പോണു സാർ. സർ ഈ ജോ ഖേതി കർക്കെ മുജേ അപ്നി ദോ ബേട്ടിയാ ഹേ ഉൻകോ പഠായി കർവായി ഹേ സർ, അഭി ജോ बड़ी बेटी जो जर्नलिस्ट डिप्लोमा हो चुके हैं, उनका अभी जो केरला विजन में काम कर रहे हैं, अभी उनके अगले आने वाली जो फरवरी 4 में उनकी शादी है सर, वो आपकी कृपा से वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं सर अभी जीवन। चलिए आपने बहुत जीवन में प्रगति की है धर्मा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रगतिशील किसान भी हैं, आप बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, आपका जीवन सच में प्रेरणा देने वाला है। पैसों का सही उपयोग कैसे करना ये आपने करके दिखाया है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहा है? अब हिमाचल में शिमला के पास कुशला जी से जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार कुशला जी, नमस्ते। नमस्कार सर,
कुशला जी कहाँ से बोल रही हैं? सर मेरा नाम कुशला देवी है, मैं रोडू वार्ड नंबर 1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। तो आप रोडू से बोल रही हैं? जी सर। जी अच्छा, आप क्या काम करती हैं? अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर, और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बेल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे, और मेरे 2 बच्चे भी है और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और 1 मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर, आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा 1 किचन 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन जिसके नाम जमीन होती है सर उसके खाते में 2,000 रुपए वो भी पड़ता है सर। तो कुशला जी आपने जी अपने जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। इस दौरान सरकार की ये योजनाएं हैं, अब घर पक्का बन गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं, पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दिए, बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे, खाना हाँ जी खर्चा सर, वर्चा भी बहुत हो जाता होगा। हाँ जी सर। हाँ जी अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हिम्मत बनाए रखिए और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको सारी जानकारियां मिलेगी और सरकार हमेशा आपके साथ है। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी सुनाई नहीं दे रहा है आपका, वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया, ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहां का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। यू आर द ओनली पार्टिसिपेंट। चलिए अनिल जी आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आ गए सिर्फ। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते।
नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था और वो टीन सेट पड़ा हुआ था, और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी, और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कमरा किराए पे लिया रखा था, और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया है, मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ, जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर, अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं, क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। पांच राज्यों में आचार संहिता तो प्रारंभ करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार। बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब बैठिए। हम सबका मार्गदर्शन करें। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, और जैसा मैंने कहा आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं।
मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है, लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं, गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं, और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है, सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोग न सिर्फ पुरस्कार जीत रहे हैं बल्कि नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं। साथियों, इस यात्रा के शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूं। पिछले कार्यक्रमों में ज्यादातर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लोगों से संवाद किया था, पीएम किसान सम्मान निधि की बात हो, प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग की चर्चा हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो आयाम होते हैं उसके संदर्भ में विचार विमर्श हो। मैंने हमारे गांवों को विकसित बनाने वाले अलग अलग छोटे मोटे कई विषयों पर चर्चा की, और मुझे भी जब मैं सभी संवाद कर रहा था तो इतनी बारीकियों से लोग बताते थे और मन को इतना आनंद होता था कि सरकार की योजनाएं गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचती है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस बार मेरा फोकस शहरी विकास से जुड़ी बातों पर था और मेरे संवाद भी जिनके साथ किया उसमें भी वो बातें थी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टीयर टू, टीयर थ्री इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। इसलिए अमृत मिशन हो या स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम हो, ट्रैफिक सिस्टम हो, शहरों में सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क हो, इन सभी को लगातार अपग्रेड किया जाए। स्वच्छता हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, एलईडी स्ट्रीट लाइट्स हो, शहरों में इन पर भी पहली बार इतने व्यापक स्तर पर काम हुआ है और इसका सीधा प्रभाव ईज ऑफ लिविंग पर पड़ा है, ईज ऑफ ट्रैवल पर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हुआ है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो, जो अभी अभी गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसा कि नया मध्यम वर्गीय परिवार पैदा हो रहा है, मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को इन बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी हर चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। आपने देखा है जब कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो सरकार ने
आपकी मदद करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार ने कोरोना के संकट के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये हमारी सरकार है जिसने हर व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सुनिश्चित कराई। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में हर गरीब को मुफ्त राशन की योजना शुरू की। ये हमारी ही सरकार है जिसने कोरोना काल में छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद भेजी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। हमारे रेहड़ी ठेले पटरी फुटपाथ पर काम करने वाले ये सभी साथी नाउम्मीद हो चुके थे। उनको लगता था चलो भाई ऐसे ही गुजारा करो, कुछ होने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इन स्थितियों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। आज पीएम स्वनिधि योजना से इन साथियों को बैंकों से सस्ता और आसान ऋण मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक ऐसे साथियों की बैंकों से मदद मिल चुकी है। इस यात्रा के दौरान भी 1.25 लाख साथियों ने मौके पर ही पीएम स्वनिधि के लिए आवेदन किया है। पीएम स्वनिधि योजना के 75% से अधिक लाभार्थी दलित पिछड़े आदिवासी समाज के साथी हैं। इसमें भी करीब 45% लाभार्थी हमारी बहनें हैं, यानी जिनके पास बैंक में रखने के लिए कोई गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी उनके काम आ रही है। साथियों, शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। 60 वर्ष की आयु के बाद भी सबको सुरक्षा कवच मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसे 60 वर्ष की आयु के बाद 5,000 रुपये तक नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले गरीबों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। इसमें बीमाकर्ता को साल में एक बार